10 ways to look cute instantly, 10 ऐसे तरीके जिससे आप instantly cute दिख सकते हो। अगर आप instantly बहुत ज्यादा cute दिखना चाहते हो कि आपके कॉलेज स्कूल के जो दोस्त हैं, सुंदर सुंदर जो लड़कियां हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे कि यार कितना क्यूट लड़का है, क्यूट दिखने की वजह से टीचर से थोड़ा मार कम पड़े, या फिर क्यूट और अट्रैक्टिव दिखने के बहुत सारे फायदे हैं, वो सारे फायदे आप उठाओ तो इस वीडियो को एंड तक देखो। करीब 76% व्यूअर्स हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद देखते रहो मजे से। नंबर वन पॉइंट है स्टैंड अप स्ट्रेट। सोशल साइकोलॉजिस्ट एमी कडी कहती है कि कुछ ऐसे पोस्टर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा वीक दिखाते हैं, जिसमें पहला है स्लाउचिंग, दूसरा है स्लंपिंग और तीसरा है मेकिंग योरसेल्फ लुक स्मॉल। कडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ना दो ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया, एक ग्रुप जो था हाई पावर पोजेस कर रहा था और दूसरा ग्रुप लो पावर पोजेस कर रहा था। देखा गया कि वो लोग जो कि हाई पावर पोजेस कर रहे हैं उनमें हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन था। दिस मींस कि आप जैसा पोज करते हो वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिपिक्ट करता है, तो अपने बॉडी को हमेशा हाई पावर पोजेस में रखो, पिक्चर आपको दिख रहा होगा। सेकंड पॉइंट है वेयरिंग ग्लासेस। बहुत सारे लोगों ने ऐसा माना है कि चश्मा वेयर करना उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। वेनेसा ब्राउन नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहती हैं, जब आप सनग्लासेस वेयर करते हो ये आपके चेहरे पर एक इल्यूजन ऑफ सिमेट्री क्रिएट करता है which increase your attractiveness. वो illusion of symmetry लोगों को बहुत ज्यादा attractive लगता है, क्योंकि आपको पता है beauty is in the eye of beholder. तो एक दो बढ़िया सा sunglasses का link मैं डाल देता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा attractive दिखाएगी, जाकर आप buy कर लेना। Third tip है cool dresses. Well, अगर आपको बहुत ज्यादा cute दिखना है, बहुत ज्यादा attractive दिखना है ना, तो कुछ cool dresses ऐसे होते हैं जो कि आपको instantly cute दिखा सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों में कुछ ऐसे cool dresses ideas मैं आपको बता रहा हूँ जो कि literally आप पर बहुत ज्यादा cute लगने वाली है। तो पहला है फ्लोरल शर्ट्स विद शॉर्ट्स, दूसरा है टी-शर्ट्स विद शॉर्ट्स एंड स्नीकर्स, तीसरा है शर्ट ओवर टी-शर्ट एंड जीन्स, यानी पतला सा शर्ट आप अंदर डालोगे, ऊपर से शर्ट डालोगे, लेयरिंग करोगे जो कि आपको अट्रैक्टिव दिखाएगी। चौथा है बैगी टी-शर्ट्स विद जॉगर्स और पांचवा है व्हाइट शर्ट विद स्पैड्रिल्स। स्पैड्रिल्स बेसिकली एक टाइप ऑफ शू है जो कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगी। तो ये पांच तरह के ड्रेसअप आइडियाज मैंने बता दिए हैं, इन पांच तरह के ड्रेसअप आइडियाज आपको गर्मी के दिनों में फॉलो करने हैं, स्पेशली तब जब आप घूम रहे हो, बाहर घूम रहे हो, घर में तो साला कच्चा बनियान पहन के बैठे रहो, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4 है मेक योर स्किन ग्लो। अगर क्यूट दिखना है तो हेल्दी स्किन होना जरूरी है, ग्लोइंग स्किन होना जरूरी है, तभी आप क्यूट दिखोगे, वरना कितना भी अच्छा ड्रेसेस पहन लो सूट नहीं करेगा। तो मेरे भाई अपने चेहरे की केयर करना शुरू करो, अपने स्किन की केयर करना शुरू करो, एंड हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ग्लोइंग स्किन पर, हेल्दी स्किन पर, उसको जाकर देखो, आई बटन में मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि भाई नो फैप करो, 90 days नो फैप करो। जब आप 90 days नो फैप करते हो तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है, आपके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है, सनबर्न वगैरह ठीक हो जाते हैं, आपके लिप्स के भी जो कलर होते हैं, कई लोगों के कलर बहुत ज्यादा डार्क होते हैं तो वो सुधर जाते हैं नो फैप करने से। उसके अलावा आपकी आंखें फ्रेश लगने लगती हैं और बड़ी लगने लगती हैं, चेहरे पर जो पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। तो नो फैप करो भाई, नो फैप के बहुत सारे फायदे हैं। एंड अगर आप नो फैप नहीं कर पा रहे हो तो हमने एक बुक बना रखा है नो फैप विद एक्स्ट्रा पावर, जिसमें हमने गाइडेंस दे रखा है कि कैसे आप पोर्नोग्राफी को क्विट कर सकते हो एंड नो फैप लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई फ्री कोर्स तो नो फैप पर आने ही वाला है तो बुक क्यों खरीदूं, तो भाई जो फ्री कोर्स है ना वो डिफरेंट चीज है और ये डिफरेंट चीज है। कोर्स में तुम्हें डेली लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस मिलने वाली है और उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तुम्हें बताया गया है 0 से लेकर पूरा 100 तक। तो बुक को बाय करो भाई, बुक लिटरली चेंज कर देगी तुम्हारी लाइफ, तुम नो फैप में एकदम नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेकआउट कर लेना। पॉइंट नंबर 5 है पिंक लिप्स। आपके चेहरे को सुंदर बनाने में, क्यूट दिखाने में आपके होठों का अहम रोल होता है, लेकिन कुछ लोग अपने होठों के कालेपन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कई बार नो फैप करने से भी कोई फायदा नहीं निकलता क्योंकि सुट्टा मार मार के अपने होठों को पूरा जला लिया होता है, या फिर किसी और रीजन से होंठ काले होते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो लिप्स को पिंक बनाने के लिए 2 टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। आपको अपने होठों पर नींबू के रस और शहद के मिक्सचर को लगाना है, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू को मिक्स करो, उस मिक्सचर को अपने होठों पर लगाओ एंड कुछ मिनट तक रहने दो, ये आप रेगुलर कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। सेकंड टिप है कि खीरे के रस को बेसन में शहद के साथ मिक्स करके अपने होठों पर लगाएं, लगाकर 20 मिनट रहने दो एंड उसके बाद मसाज करते हुए उसको साफ कर लो। पॉइंट नंबर 6 है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी गर्ल से आई कॉन्टैक्ट करते हो तो उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिस वजह से अट्रैक्शन बिल्ड होता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल थैलामाइन। अबे क्या है ये, फिनाइल
हाइलामाइन, मुझसे तो ये नहीं होने वाला है, जो भी ये पढ़ लेना। तो जब आई कॉन्टेक्ट होता है ना, तो यही फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन जगाता है दोनों जेंडर्स के बीच। साथ में ये ऑक्सीटोसिन को भी रिलीज करता है, जो कि लॉन्गर बॉन्ड और कमिटमेंट को डिपिक्ट करता है। तो जब भी आप बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो, कम्युनिकेट करो, या फिर किसी लड़की को देखो, तो उसकी आंखों में देखो। आई कॉन्टेक्ट करना, आंखों में देखना, ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। एंड आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस सामने वाले को देखता है, तो इससे वो इंसान इंप्रेस होता है। तो आपका आई कॉन्टेक्ट करना सामने वाले की नजर में आपको क्यूट दिखाता है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कभी चश्मा लगाने को बोलता है, फिर कभी बोलता है आई कॉन्टेक्ट करने को। भाई जब चश्मा लगाने को बोलता हूं तब चश्मा लगा लेना, जब आई कॉन्टेक्ट करने की बारी आए तो चश्मा हटा लेना। क्या है यार, इतना सिंपल है, तुम भी ना। पॉइंट नंबर 7 है, स्माइल ऑलवेज। जब किसी इंसान को देखकर आप स्माइल करते हो, तो सामने वाला इंसान भी आपको स्माइल बैक करता है। और जब वो इंसान स्माइल बैक करता है, तो स्माइल मसल्स के स्टिमुलेशन की वजह से उसके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंड एंडोर्फिन रिलीज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बेटर फील करता है पहले से। तो अगर आप स्माइल वियर करते हो हमेशा, एंड जब भी आप लोगों से मिलते हो, किसी भी इंसान से मिलते हो, एक जेन्युइन स्माइल देते हो, तो इससे वो भी स्माइल करते हैं एंड उन्हें बहुत ज्यादा बेटर फील होता है। एंड जिस वजह से आप उनके पसंदीदा इंसान बन जाते हो, आप उन्हें बहुत क्यूट लगने लगते हो, और जिस वजह से ऐसा इंसान आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा, क्योंकि उसे बेटर फील हो रहा है आपके साथ। और सबसे बड़ी बात कि जब आप लोगों को स्माइल करते हो ना, तो इसमें कोई पैसे नहीं कटते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। ये भगवान ने आपको बिल्कुल फ्री दिया है, इसके इस्तेमाल से आप बहुत से लोगों को इंप्रेस कर सकते हो एंड उनके नजरों में क्यूट बन सकते हो। पॉइंट नंबर 8 है हाइजीन, अपने दांतों को रेगुलर ब्रश करना। उसके बाद है अनवांटेड जो हेयर्स हैं आपके बॉडी में, उस सबको रिमूव करना। उसके बाद है एक्ने को ट्रीट करना और ठीक करना, हो सकता है इसके लिए आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़े। उसके बाद है रेगुलर नहाना और दिन में 2 बार फेस वॉश करना। उसके बाद है प्रॉपर हेयर कट, जिससे आप शहरी स्टाइलिश लड़के लगो। उसके बाद है क्लीन क्लॉथ्स एंड क्लीन शूज, जिससे आप हाइजीनिक लगो। उसके बाद है हेयर केयर, अपने बालों से डैंड्रफ को हटा दो एंड सारे जो डर्ट पार्टिकल्स जमा है उन सबको हटा दो, फ्रेश कर दो। उसके बाद है धूप में कम जाओ, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करो सन एंड डर्ट से। क्यूट एंड हैंडसम दिखने का सीधा मतलब है कि आप हाइजीनिक दिख रहे हो। पॉइंट नंबर 9 है फोल्ड योर स्लीव्स। आप जब भी शर्ट पहनते हो ना, तो अपने स्लीव्स को यहां तक मोड़ दो, यहां तक, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अपने स्लीव्स को यहां तक मोड़ो। इससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हो। इससे पहला तो आपके मसल्स दिखते हैं एंड ऐसा लगता है कि एक मैन रेडी है किसी टास्क के लिए। उसके बाद जब आप अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हो, तो आपके हैंड वीन्स जो है वो निकल कर आते हैं, जो कि लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। पॉइंट नंबर 10 है यूजिंग सम स्टफ टू लुक क्यूट। वेल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बाय करना चाहिए अगर आप क्यूट दिखना चाहते हो, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, जिसमें सबसे पहला है हेयर वैक्स। जब भी आप कहीं ओकेजनली बाहर जा रहे हो, जिसमें आपको क्यूट दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, उस वक्त ना आपको अपने बालों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और अक्सर जब हम बाल बनाकर बाहर निकलते हैं, तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए वैक्स यूज करो, जिससे आपके बाल हमेशा सेट रहे। उसके बाद है इनर बेल्ट यूज करना टकिंग के लिए। जब भी आप शर्ट को टक करने जाते हो, तो शर्ट कुछ इस तरह बाहर निकलता है, तो ये बेल्ट अगर आप टकिंग बेल्ट अगर आप यूज करते हो, तो आपका शर्ट पूरा दिन एकदम बढ़िया से सेट रहेगा, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद है एसेसरीज में आप वॉच ले लो, जो कि आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाती है, और इस तरह का चेन ले सकते हो, जिसको आप टी शर्ट के साथ वियर कर सकते हो, ये भी आपके लुक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ये नया फैशन निकला है। उसके बाद अगर आपके बाल थोड़े से बड़े हैं, तो आप हेड बैंड यूज कर सकते हो, जो कि आपके लुक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। उसके बाद उंगली में आप अंगूठी पहन सकते हो, जो कि आपके हैंड को कहीं ना कहीं क्लासी दिखा। तो ये कुछ स्टफ हैं जिनको आप एक्स्ट्रा में बाय कर सकते हो, ये आपके लुक को काफी ज्यादा क्यूट एंड क्लासी दिखाते हैं, जरूर से इनको आप बाय करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इनफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। एंड कमेंट करके बताएं कि इन 10 टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको कौन सा लगा। करीब 76% व्यूअर्स हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, मेरी नजरों में ये इलीगल एक्टिविटी है भाई, ये हरकतें मत करो, सब्सक्राइब करो यार, तुम सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा यार और वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि बहुत ज्यादा क्यूट दिखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।